प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सार सर, सह आचार्य इतिहास, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र प्रथम में जिस विषय के संबंध में चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। भारत में यूरोपीय शक्तियों का जो आगमन का सिलसिला प्रारंभ हुआ, इसमें पुर्तगाल सबसे आगे रहा। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। इन्होंने भारत में, इनका आगमन का सिलसिला प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे इन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। इनका मुख्य उद्देश्य था अपने व्यापारिक केंद्रों को भारत में स्थापित करना, भारत से कच्चा माल प्राप्त करना और उसे तैयार करके भारत में अपने जो कारखाने स्थापित थे उन कारखानों में उन्हें लाकर के भारतीय बाजार में बेचना। कहने का अभिप्राय कि भारत में इन शक्तियों के द्वारा, देखिए पुनर्जागरण के बाद में जो औद्योगिक क्रांति हुई और उस औद्योगिक क्रांति के बाद में जिस प्रकार से उत्पादन बढ़ा और उसके लिए यूरोपीय शक्तियों को जिस प्रकार के बाजार की आवश्यकता थी, उन बाजारों को तलाश करने में वो सफल रही। ऐसा भी माना जाता है कि भारत का मध्य एशिया के जो साथ में जो व्यापारिक संबंध थे, उस व्यापारिक संबंध में एक जो रुकावट यहां हमें देखने को मिलती है कि कुस्तुन दुनिया पर तुर्कों का जो अधिकार स्थापित हो गया, उसके पश्चात जो पश्चिम के साथ में जो व्यापार होता था वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ और पश्चिम के जो देश थे उन देशों को अब जल मार्ग ढूंढने की यहां आवश्यकता पड़ी। और इसी कड़ी के अंदर जो यूरोप के अंदर जो प्रमुख देश थे, जो नए राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों ने नए नए जल मार्गों की यहाँ खोज की और इसमें जो सबसे आगे जो राज्य या राष्ट्र था वो था पुर्तगाल। पुर्तगाल का एक नाविक जो कि 1497 में, जिसका नाम था वास्को डिगामा, वो खोज के लिए निकला और 1498 में वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यहां पर उसका स्वागत यहां के तत्कालीन शासक जैमोरिन के द्वारा किया गया। वास्को डिगामा ने कलकत्ता के हिंदू शासक जैमोरिन से व्यापार करने की सुविधाएं प्राप्त की और उसी समय पुर्तगालियों का भारत से व्यापार आरंभ हुआ। उन्होंने जैमोरिन को उसके शत्रु राज्य, मुख्यतः कोचीन राज्य के विरुद्ध सहायता देनी आरंभ कर दी और इस प्रकार से भारत की राजनीति में पुर्तगालियों का हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। वह 1505 से लेके 1509 तक भारत में रहा और उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने के प्रयत्न किए। अल्मीडा का उत्तराधिकारी अल्बू कर्क, जो कि 1509 से लेके 15 तक रहा, जो अत्यंत महत्वाकांक्षी था, जिसके नेतृत्व में भारत में पुर्तगाली शक्ति का निर्माण हुआ। अल्बू कर्क ने भारत में पुर्तगाली शक्ति को दृढ़ता से स्थापित किया और धीरे धीरे पश्चिमी तट पर गोवा, दीव, सालसेट, बेसिन, चोल और बंगाल में हुगली और मद्रास तट पर सान थॉमस पुर्तगालियों के अधिकार में चले गए। परंतु पुर्तगालियों को भारत में स्थायी सफलता नहीं मिली और अंत में गोवा, दमन, दीव के अतिरिक्त उनके अधिकार में कुछ नहीं रहा। 1629 में तत्कालीन
मुगल सम्राट शाहजहां ने उनसे हुगली छीन लिया और 1639 ईस्वी में मराठों ने उनसे सालसेट और बेसिन के जो प्रदेश था वो छीन लिया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल को बंबई अंग्रेजों को बंबई दहेज में देना पड़ा। राजकुमारी ब्रिगंजा का जब विवाह अंग्रेज सम्राट के साथ में जब किया गया तो उन्होंने दहेज में बंबई प्रदेश दिया। इस प्रकार से पुर्तगालियों का यहाँ आगमन हुआ। अगली जो शक्ति भारत में आई उसकी यदि हम बात करें उसमें थे डच। डचों का प्रवेश 1602 में व्यापार करने के उद्देश्य से एक संगठन तैयार किया गया, इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रखा गया। 1604 में डच जहाजी बेड़ा कालीकट पहुंचा। डचों की नाविक शक्ति जो थी वो दृढ़ थी। उन्होंने मछलीपट्टनम, पेटापोलो, पुलिकट आदि स्थानों से व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगाली शक्ति को समाप्त कर दिया। परंतु डचों का मुख्य लक्ष्य दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से व्यापार करने का रहा। भारत उनके व्यापारिक मार्ग की एक कड़ी मात्र था। भारत में उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। इसके अलावा वे अंग्रेजों की शक्ति का सामना नहीं कर पाए। 1718 के अंदर अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में हुगली, नागपट्टनम आदि स्थानों को लेकर के विवाद हुआ, जिसके कारण इन्हें अंग्रेजों ने पछाड़ दिया और 1769 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच में बैदारा नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा, जिसमें डच पराजित हुए और उन्हें अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। इस समझौते की जो शर्तें थी उसके अनुसार डच भविष्य में युद्ध न करके तथा नई सैनिक भर्ती और किलेबंदी न करने का इनके द्वारा आश्वासन दिया गया। इस प्रकार से भारत में डचों का प्रभाव भी पूर्णतः समाप्त हो गया और ये जो समाप्त इनका डचों का जो प्रभाव समाप्त किया वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया। डचों के बाद में जो अगली जो यूरोपीय शक्ति भारत में आई, जिसने लगभग 200 वर्ष तक भारत में अपनी सत्ता यहाँ स्थापित करके रखी और किस प्रकार से ये व्यापारी के रूप में आए और हिंदुस्तान के ये शासक बन गए, उनकी हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजों का आगमन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ट्यूडर ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाले लंदन के व्यापारियों को कंपनी तथा उसके गवर्नर को एक अधिकार पत्र दिया और इस अधिकार पत्र द्वारा अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी पत्र के द्वारा हुई। 1608 में इस कंपनी का पहला जहाज जिसका नाम था हेक्टर, सूरत गुजरात के अंदर जो बंदरगाह है यहां पर आया। इस जहाज का जो कप्तान था वो हॉकिंस था। हॉकिंस मुगल सम्राट जो तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट करने के लिए आगरा गया, किंतु उस समय मुगल दरबार के अंदर जो पुत्र पुर्तगालियों का जो प्रभाव था उस प्रभाव के कारण और उनके प्रतिरोध के कारण वो जहांगीर से व्यापारिक सुविधाएं या जो विशेष अधिकार उसे प्राप्त करने थे उन्हें प्राप्त करने में वो असफल रहा। किंतु 1612 में पाल कैनिन और 1615 के आरंभ में विलियम एडवर्ड राजा जेम्स प्रथम के पत्र को लेकर के मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु दोनों ही पुर्तगालियों के विरोध के कारण अपनी स्थिति को स्थापित नहीं कर पाए। अतः अंग्रेजों ने पुर्तगालियों की शक्ति का मान मर्दन करने का यहां निश्चय किया
और उन्होंने सूरत के समुद्री क्षेत्र में पुर्तगाली जहाजों को मार भगाना प्रारंभ कर दिया। जब उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी तो उन्होंने एक तरीके से पुर्तगालियों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इससे मुगल दरबार को ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति का आभास मिल गया और अन्य विदेशी व्यापारियों की भांति अंग्रेजों को भी बस्ती बसाने तथा व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। कहने का मतलब, अंग्रेजों को अपनी शक्ति का यहाँ एहसास तत्कालीन मुगल सम्राट को दिखाना पड़ा, तब जाकर के ही उन्हें व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई। और 1615 में जो सर टॉमस रॉ जागीर की सेवा में उपस्थित हुआ और वह 3 वर्ष तक कहा जाता है कि मुगल दरबार में रहा, और जागीर ने केवल उसे इतना ही आश्वासन दिया कि जितने भी विशेष अधिकार किसी विदेशी को मिले हैं उतने ही अधिकार यहां अंग्रेजों को भी दिए जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक केंद्र थे, जो यहां उनके द्वारा जो स्थापित किए गए, इन व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री या कारखाना कहा जाता था। लेकिन यहां किसी प्रकार की मशीनें नहीं लगाई गई और ना ही इन स्थानों पर किसी प्रकार का उत्पादन होता था। ये तो गोदाम का कार्य करते थे। जैसा कि पूर्व में हमें हमारी चर्चा हो चुकी है कि जो तैयार माल जो होता था वो यहां आता था। देश के अलग-अलग भागों में कंपनी ने छोटी-छोटी बस्तियां स्थापित की जहां विदेशियों से लाया गया सामान तथा यूरोप ले जाया जाने वाला सामान एकत्र किया जाता था। इन बस्तियों में अंग्रेज अधिकारी और अन्य भारतीय नौकर रहते थे। जैसे जैसे कंपनी का व्यापार बढ़ा, बस्तियों का आकार भी बढ़ा। इन बस्तियों की रक्षा करने की व्यवस्था कंपनी स्वयं करती थी। इस प्रकार कंपनी ने एक सेना भी गठित की, उसका संगठन तैयार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम, ये बात उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी बस्ती स्थापित की। 1631 में मछलीपट्टनम में कोठी स्थापित की गई और 1640 में कंपनी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के आसपास का क्षेत्र खरीदा और वहां सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया। 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नामक स्थान पर एक अंग्रेज कारखाना खोला गया। इससे पूर्व 1633 ईस्वी में वे एक कोठी बालासोर तथा दूसरी कोठी हरिपुर में तथा कटक से 25 मील दक्षिण पश्चिम में खोल चुके थे। 1661 में यहाँ एक जो ऐतिहासिक घटना जो घटी उसका यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ में विवाह किया। इस अवसर पर, जैसा कि बताया जा चुका है, पुर्तगाल नरेश ने बंबई का पुर्तगाली क्षेत्र चार्ल्स को दहेज में दे दिया। चार्ल्स ने यह क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया। 1692 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने अंग्रेजों को अपनी ओर से लिखकर एक निशान, विशेष आदेश होता था जिसे निशान कहा जाता था, दिया, जिसके अनुसार सब तरह की चुंगी और अन्य करों के बदले प्रतिवर्ष उनके द्वारा 3,000 रुपये देते रहने पर अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का आदेश दिया गया। उन दिनों में यूरोप से आने वाले सभी जहाजों का माल बालासोर में ही उतारा जाता था। इस प्रकार से भारत में अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने धीरे धीरे अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। 1686 से लेकर 87 की जो अवधि थी, इसमें मुगलों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कुछ तनाव रहा, कुछ छुटपुट घटनाएं भी हुई,
और मुगल सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए। विवश होकर कंपनी को मुगल शासक से क्षमा याचना करनी पड़ी। औरंगजेब ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन अंग्रेजों को पुनः पहले की भांति भारत में व्यापार करने की आज्ञा भी प्रदान की गई। 17वीं सदी के अंत तक भारत में बंबई, कलकत्ता और मद्रास अंग्रेजों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र बन चुके थे। इसके अलावा देश के आंतरिक भागों में पटना, अहमदाबाद, आगरा, बुरहानपुर आदि नगरों में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। इस प्रकार से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्रों में अपने कारखाने यहाँ स्थापित कर चुकी थी। और अब जो अगली जो शक्ति है जो आई उसकी हम बात करेंगे, ये हमारी चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।